पढ़ेंगे बस नहीं बस एक एक लग जाए ये ऊपर रखना है। इससे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम से सब्ट्रैक्ट तफरीक करो इसको फ्रॉम दिस, इसको ऊपर रखना है और जो पहले है उसको बाद उसको नीचे रखते हैं। चलो बस अपना कोई बोले किधर हो तुम बारिश आ रही हो? वालेकुम सलाम मैम। अच्छा जी कितने लोग हो गए हैं? 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी सब सोए हुए मेरा ख्याल है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं तो ओके वो भी। अटेंडेंस जो है रोज ब रोज कम होती जा रही है आप लोगों की। ये क्या हुआ? स्क्रीन को पॉज हो गए। अच्छा जी, एक तो कल वाले लेक्चर में से आयशा ने मेंशन किया भाई, ये क्या नाम है इस बच्ची का? हाँ जी आयशा असलम है, उन्होंने मेंशन किया है भाई यूवी विजिबल की स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मैंने बेटा आपको कल कहा था एप्लीकेशन में कि हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने आपसे स्लाइड शेयर की हुई है उसमें मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो स्लाइड है ना, जो मेरे फर्स्ट मैंने लेक्चर आपको शेयर किया था उसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन मैंने लिखी हुई है वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो ये है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से इसको आप अमिट भी कर देते हैं। लेकिन एक जो रेफरेंस मुझे मिला था उसमें ये था कि कंसंट्रेशन को जो हम निकालते हैं n इज इक्वल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो m ओवर b के इक्वल होते हैं, फिर कहीं से रिलेशन एक डेवलप करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऐसे हम ऐसे सब्सटेंस के लिए जिसको कि हम बिल्कुल भी वो जिसका हमें बिल्कुल भी कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है और हम उसके लिए कोई न्यू डिटरमिनेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक एस्टिमेशन तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उसको जो है एग्जैक्ट माल जो है वो डिटरमिन कर लें, ठीक है। तो इसको बेहतर यह है कि आप यहाँ से एमिट कर दें। मैंने कल थोड़ा सा सर्च भी किया था क्योंकि मैंने यही पता यहाँ देख के कहीं से लिखा था तो, लेकिन मुझे इसमें कोई भी ऐसा सच नहीं मिला, एक रेफरेंस मिला था और वो भी इतना ऑथेंटिक नहीं था और उसमें भी ट्रूली यही था कि हम इसको जो है वो इसके लिए यूज नहीं कर सकते। ओके गॉट इट, और थैंक यू फॉर आयशा कि आपने मेंशन किया। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए आज हम शुरू करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको क्या क्या पता है? कौन बोलेगा? मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, तो किस जिस चीज को कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो जरा बोले। मैम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मींस के वाइब्रेशनल एटॉमिक जो लेवल्स होते हैं वो उसके चेंज हो रहे होते हैं। आयशा रफीक बात कर रही है, ठीक है ना। अच्छा आप कह रहे हो कि ये वाइब्रेशनल होती है, ठीक है,
तो अंजला सईद बताएंगी ये वाइब्रेशनल क्यों होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं होती? अंजला नहीं बोल रही। जोया सलीम मैम, इसमें आईआर रेडिएशन यूज होती है, आईआर रेडिएशन यूज होती है, तो उसकी वजह से एक्साइटेशन क्यों नहीं होती? मैम वो उसके लिए उसकी जितनी एनर्जी है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ही कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आईआर रेडिएशन जौन सी है उसकी एनर्जी कम है और उसको हम इसकी वजह से ये सिर्फ वाइब्रेशनल जो चेंजेस हैं उसका कॉज बनती है, ठीक है ना। तो कहता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ईच बॉन्ड वाइब्रेटिंग विद इट्स करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। अब हर बॉन्ड की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो करेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह उसकी लैम्डा मैक्स करेक्टरिस्टिक्स है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनिक शेल एक्साइटेड स्टेट पर जाने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, एट द सेम टाइम उसको वाइब्रेट करने के लिए भी एटम टू एटम मालिक्यूल टू मालिक्यूल एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। और वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करेगी जो एटम्स बॉन्डेड एटम्स के मैसेस पर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड द मैसेस ऑफ द बॉन्डेड एटम। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का क्या मतलब है? एनी वन ऑफ यू, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का क्या मतलब है? एंड मैसेस ऑफ द बॉन्ड उसमें बॉन्ड इंटरेक्शंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड इंटरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। सपोज आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है और एक इथीन का मॉलिक्यूल है, तो क्या फर्क होगा दोनों में? मैम इथेन में ज्यादा अट्रैक्शन होगी। इथेन में? यस मैम। इथीन में? इथेन। इथेन में बेटा, इथेन में जी जी मैम, इथीन में होगी जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से वो बॉन्ड। हां स्ट्रेंथ ऑफ द, एग्जैक्टली राइट, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है उसमें डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितनी ओवरलैपिंग ज्यादा है। देखा ना, जितने बॉन्ड ज्यादा होते हैं उतने एटम्स में जो उतने ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो द फ्रीक्वेंसी यहां पे अब किस पे डिपेंड किया कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो करेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो डिपेंड करनी है ऑन द स्ट्रेंथ मैसेस ऑफ द बॉन्डेड एटम, ठीक है ना। मैसेस तो आपको क्लियर हो गया कि अगर वहां पे क्लोरीन लगा है तो उसका मास ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन लगा है तो मास कम है, तो इसका मतलब है कि जब क्लोरीन लगा है तो उसकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इफ वी से दैट द मैसेस पे वो डिपेंड कर रहा है। बट व्हेन वी से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, तो फिर क्या होगा, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन ऑफ दिस बॉन्ड। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलिंग इन द आईआर रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। वाई आईआर आपको कहा, तो उसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है जो वाइब्रेशनल मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में वो किस में फॉल करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आईआर स्पेक्ट्रम को के साथ रिलेट करती है। Of greatest practical use of an organic chemist is the limited portion between, कहता है जो ज्यादा है अब हमारे पास वो शुरू तो हो जाता है ये 0.8 से लेकर तो 16 to 10^3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा जो एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट हमारे ज्यादा यूज आती है या जो आईआर स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वो ज्यादा डील करते हैं 2.5 से लेके 16 माइक्रोमीटर, 2.5 से लेके 16 माइक्रोमीटर के आईआर रीजन को ज्यादा वो डील कर रहे होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी बनती है 4000 to 625 per centimeter, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि 2.5 से परे जो होता है 0.8 वो ये ज्यादा एनर्जी की लाइट है और इसको हम कहते हैं नियर आईआर, नियर आईआर कहते हैं बिकॉज इट इज नियर टू द यूवी रीजन। और जो 16 माइक्रोमीटर से परे है 10^3 माइक्रोमीटर तक इसको हम कहते हैं फार आईआर
एंड बीइंग रिस्पेक्टिवली नियरर टू एंड फार्दर फ्रॉम द विजिबल रीजन. ठीक है ना, ये विजिबल से जितना दूर हो गया, यूवी से जितना दूर होता गया उसको हम फार आईआर कहेंगे, और उसके जितना क्लोज है उसको नियर आईआर कहेंगे. अच्छा, अब व्हेन द आईआर रेडिएशन पास थ्रू द मॉलिक्यूल, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर एब्जॉर्ब्ड एंड अपीयर एज एब्जॉर्प्शन बैंड, व्हाइल अदर फ्रीक्वेंसीज डू नॉट इंटरैक्ट विद द कंपाउंड एंड आर ट्रांसमिटेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड. ठीक है जी, वही बात जो यूवी में थी कि जो इंटरैक्ट करेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो इंटरैक्ट नहीं करेगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी. अब कौन सी एब्जॉर्ब करेंगी, वो एब्जॉर्ब करेंगी जिनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड. ओके, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन, अदर नेम इसका क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आईआर रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द एक्साइटेशन of the molecule from the ground state to a higher vibrational level energy state such that delta E is equal h mu. It is the amplitude of the vibrational that increases. ठीक है, amplitude increase होना है, that is the average distance between the nuclei increases as a result of the absorption of IR radiation. कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, अगर उसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी जो आई है उसे रेडिएशन मिलती है, तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियाई न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और जो न्यूक्लियस है क्लोरीन एटम का, उन दो या जो हाइड्रोजन है कार्बन एटम का, दोनों के न्यूक्लियाई में एवरेज डिस्टेंस में इंक्रीज होगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं कि और ये जो है जब वो इंक्रीज होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा उसकी वाइब्रेशन का, और जब वो दोबारा अपने स्टेट पर वापस आएगी तो वो उसको एमिट भी करेगी. द एब्जॉर्बेंस एनर्जी इज एवेंचुअली रिलीज्ड एज हीट. यूवी में वो कहाँ पे एज फोटोन एमिट होती थी, यहाँ पे एज हीट होनी है. एंड द मॉलिक्यूल्स रिवर्ट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट. अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, अ प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस एज ऑर्डिनेट अगेंस्ट वेवलेंथ और वेव नंबर. कैसे हमने अब उसके स्पेक्ट्रम में हम क्या ड्रॉ करते थे, ट्रांसमिटेंस लेते थे या एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस को हम प्रेफर करते थे, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होता था, वेवलेंथ होती थी. यहाँ पर क्या है, प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस एज ऑर्डिनेट, और उसमें क्या है वेवलेंथ या वेव नंबर एज एब्सिस का रिजल्ट इन आईआर स्पेक्ट्रम. तो नॉर्मली जो हमारे पास आता है वो वेव नंबर अगेंस्ट द ट्रांसमिटेंस, ये दो को हम प्रेफर करते हैं. जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आता है वो ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट द वेव नंबर आता है, ज्यादा इजीली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. डिफरेंस ऑफ वेव नंबर क्लियर नजर आता है, यानी कि उसको एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को बेहतर सेपरेट करने के लिए, जहाँ जिस जिस बॉन्ड पे वो जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, तो वेव नंबर पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो ज्यादा उसे आप कह सकते हो कि ज्यादा मैनेज्ड होता है, और हमें उसे इजीली इंटरप्रेट करना आसान होता है. वेवलेंथ के केस में क्या होगा कि वो ओवरलैप कर रहा होगा, वेवलेंथ इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती, इसलिए हम प्रेफर करते हैं वेव नंबर अगेंस्ट द ट्रांसमिटेंस. द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रम आर एक्सप्रेस्ड आइदर बाय वेवलेंथ और यूनिट्स माइक्रोमीटर और मोस्ट कॉमनली बाय वेव नंबर. ठीक है ना, तो हमने अभी मैंने बात की कि वेव नंबर में हूज यूनिट इज रेसिप्रोकल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. इन द अर्लियर लिटरेचर माइक्रोमीटर वाज कॉल्ड माइक्रोन, सो स्पेक्ट्रा शो बोथ वेवलेंथ एंड वेव नंबर यूनिट्स. ऑल्दो द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन आईआर स्पेक्ट्रम इज एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज द वर्ड फ्रीक्वेंसी. वेव नंबर होता है लेकिन हम नॉर्मली इसको फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं इन प्लेस ऑफ वेव नंबर. मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस कहाँ पर होती है, मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस इज एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्केल, सो दैट एब्जॉर्बेंस इज ऑब्जर्व्ड एज अ मिनिमम ऑन द स्पेक्ट्रा इवन दो इट इज कॉल्ड अ पीक. ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने यूवी को देखा था तो यूवी की जो पीक है वो ऐसे आती है. ठीक है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. यूवी की जब हमने पीक देखी थी,
तो ऐसे हमारे पास इसको हमने पीक कहा था, ठीक है ना, और अब्सॉर्बेंस कहते थे। अब जो आईआर की है, आईआर में ये जो दिस इज द पीक बेसिकली, ये जो इसका डाउनवर्ड एरिया है इसको हमने पीक कहना है, और ये ट्रांसमीटर मैक्सिमम क्या होती है यहाँ पे, जहाँ पे वो मैक्सिमम जो आपके पास आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मली ट्रांसमिटेंस हम वाई पे लेते हैं, ठीक है, परसेंट ट्रांसमिटेंस होती है, और जहाँ पे वो डाउनवर्ड जा रहा होता है ये इस पोजीशन पे, इसे हम कहेंगे दिस इज द पीक, ठीक है। तो इन दिस वे मैम जो आई आर का स्पेक्ट्रा होता है वो अपसाइड डाउन होता है, उसकी पीक भी उसी तरह उसकी पीक भी इसी तरह ही होती है, लेकिन ट्रांसमिटेंस और अब्सॉर्बेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम ट्रांसमिटेंस की पीक ऊपर कहते हैं, इसकी अब्सॉर्बेंस जीरो है, ये जो ग्राफ है वो अपसाइड डाउन बनेगा। हाँ, उसको आप इस तरह भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। हाँ जी, so that the absorbance is observed as a minimum on the spectra even though it is called the peak, ठीक है जी। In contrast to the relatively few absorption bands observed in the UV spectra of most organic compound, even तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो IR spectra है उसमें number of peaks बहुत ज्यादा होंगी। Number of peaks ज्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि जितने भी bonds involved हैं, ठीक है ना, एक carbon है उसके साथ कौन से चार बॉन्ड्स अटैच हैं, उन चारों ने अपनी पीक शो करनी है, और हमारे पास अब इतने कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा में से हम उसको स्कैन करके हम उसमें से रिलेटिवली सम इम्पॉर्टेंट पीक्स, जो प्रोमिनेंट पीक्स होती हैं, सिर्फ हम उसको जो है फिल्टर कर लेते हैं, जिसके बाद हम उसमें से ज़्यादा फोकस करते हैं उन सारी पीक्स के, हमें पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन और सल्फर की पीक आनी है, तो हमने सिर्फ उस पीक को फिर हम जिसको हमने फिल्टर किया हुआ होता है उन पीक्स में फिर हम फंक्शनल ग्रुप पर बेसिकली जो आईआर है वो हमने उसमें से जो डिटरमिन करना होता है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट, हमें वो वाला बॉन्ड स्पेसिफिक, अदरवाइज तो सारे कार्बन सारे उसमें जो होता है CH2 मिथिलीन और CH3 के जो बॉन्ड्स हैं, या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं, उन सब को रीड आउट करने की बजाय हमने कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पीक्स देखनी होती है कि कहाँ पे इज देयर एनी एरोमेटिक रिंग, इज देयर एनी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप, जो बेसिकली बेसिक करेक्टरिस्टिक है फॉर दैट मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स आईआर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रिच अरे ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, हाउएवर इट इज अनलाइकली देन एनी टू कंपाउंड्स, आपको कहता है चाहे जितनी भी पीक्स हों लेकिन कोई भी दो कंपाउंड्स एक जैसा स्पेक्ट्रम शो नहीं करते एक्सेप्ट एनेंशियोमर्स, ठीक है जी। अब जिस तरह आप सबके जो फिंगर टिप्स हैं वो अपने अपने हैं, हम जितने भी इंसान हैं सबके आईडी कार्ड पे हमारे फिंगर टिप्स लगते हैं, तो वो अपनी उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इसी तरह हर कंपाउंड का जो आईआर स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट है, तो ऑन दैट बेस हम स्पेक्ट्रा मैक्सिमम अगर ओवरलैप कर रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज अ वन एप्लीकेशन ऑफ दिस आईआर, के हम कंफर्म करते हैं कि दिस इज द कंपाउंड इज सेम, ठीक है। लेकिन वो कहता है एक्सेप्ट एनेंशियोमर, एनेंशियोमर को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एनेंशियोमर क्या होता है, कौन बताएगा? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है ना, कि वो जिस तरह से लैक्टोज है, लैक्टिक एसिड है, वो डी है या एल है, ठीक है, नॉन सुपरइम्पोजेबल क्या करते हैं वो, बाकी सब प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं, सिर्फ फर्क कौन सी प्रॉपर्टी में होता है कि वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है ना, और सिर्फ ये एनेंशियोमर का फर्क होता है कि उसकी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो डिफरेंट होती है, तो ऐसे, लेकिन वो डिफरेंट कंपाउंड चूंकि होता है, ऑन दैट बेस हम आईआर की बेस पर उन दोनों स्पेक्ट्रा को वेरी नहीं कर सकते, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो डी लैक्टिक एसिड है वो बिल्कुल वही स्पेक्ट्रम शो करेगा जो कि एल लैक्टिक एसिड है। अ पीक बाय पीक कोरिलेशन इज देयरफॉर एन एक्सीलेंट एविडेंस फॉर द आइडेंटिटी ऑफ टू सैंपल्स, कहते हैं कि अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो पीक बाय पीक, हाँ जी, इसकी पीक यहाँ पर भी है 33.10 पे भी एक पीक है, 29.10 पे भी एक पीक है, 809 पे भी एक पीक है, जितनी भी पीक्स हैं अगर वो मैच कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एन एक्सीलेंट एविडेंस टू आइडेंटिफाई द टू सैंपल्स। ऑल्दो द आईआर स्पेक्ट्रम इज करेक्टरिस्टिक्स
of the whole molecule. Certain functional group give rise to absorption band at or nearly the same frequency regardless of the structure of the rest molecule. ये this is the main जो application है, कि वो कहता है कि जो भी हमारे पास अब vibrational peaks हैं, वो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ certain functional group हैं जो कि अपना band देंगे exactly या nearly same position पे regardless of the rest structure of the molecule. तो बाकी structure molecule का जो भी है, चाहे वो aromatic ring से attached है, चाहे वो बाई उसमें दो रिंग्स लगे हुए हैं, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, एट एनी कंडीशन अगर वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो हर कार्बन और हाइड्रोक्सिल का जो वाइब्रेशन है वो अपनी एक पीक शो करेगा. ठीक है, अब चाहे अब एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल फिनोलिक है तो उसकी अपनी एक पीक होगी, लेकिन जो फिनोल की पीक है और वो भी उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उस पर तकरीबन शो करेगा सेम. और दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द आईआर. ठीक है, रिगार्डलेस द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कार्बोनाइल सबट्रैक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ di and hexyl ketone occurs at the same position as that of acetone. So, ketone ka jo structure hai chahe wo di hexyl hai lekin carbonyl pe hi uski jo acetone ka carbonyl hai un dono ki jo absorption frequency hai wo same hogi. The functional group can therefore be readily identified by their characteristic absorption frequency. This makes the IR spectroscopy the most useful mean to obtain the structural information about organic कंपाउंड. ठीक है जी, दिस इज द इंट्रोडक्शन. अब उसमें आईआर में जो वाइब्रेशन होनी है ना, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं. वाइब्रेशन को हम कितनी तरह से ले सकते हैं, एनी आइडिया एनी वन ऑफ यू? वो आइडिया है वाइब्रेशन की कितनी टाइप्स हैं? मैम एक स्ट्रेचिंग हो सकती है, कंप्रेशन, इलोंगेशन, बेंडिंग हो सकता है. बेंडिंग और स्ट्रेचिंग इन ऑन दैट हम इसको फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहते हैं. मॉलिक्यूल्स का लार्ज वैरायटी है. सम ऑफ दीस वाइब्रेशंस आर गुड एप्रोक्सीमेशन, आर एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स. इनको हम कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन. क्या आप फंडामेंटल वाइब्रेशन को हमने दो मोड्स में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग. What is the difference between stretching and bending vibration? Ma'am, जो stretching होगी वो जी जी stretching जो होगी वो bonds move करेंगे ना. अच्छा, bonds move करेंगे, ठीक है. और ma'am bending में bond angle नहीं आएगा? Bond angle इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सा ना, जो न्यूक्लियस का दो कार्बन है या दो का एक कार्बन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब वो स्ट्रेच होंगे तो स्ट्रेच के केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस कौन सा है दोनों न्यूक्लियाई का, वो चेंज होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. वाइल इन केस ऑफ बेंडिंग क्या होगा कि जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन एंगल चेंज होगा. ठीक है जी, तो आपका आंसर समहाउ ठीक था. वाइब्रेशन, अब इसको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं और बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज अ रिथमिक मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस सच दैट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो स्ट्रेचिंग में क्या होना है कि जो डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा लेकिन बॉन्ड एक्सिस सेम रहेंगे. और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैन आइदर बी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक भी हो सकती है और एंटीसिमेट्रिक भी. ये देखे ना, यहाँ पे जब स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और इन दिस केस जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है. सिमेट्रिक क्या होगा, जब दो डिफरेंट बॉन्ड्स जोन से हैं वो सेम साइड पर मूव करेंगे तो हम कहेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशन है. इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो सब अपवर्ड जा रहे हैं और अगर एक अपवर्ड जा रहा है और एक डाउनवर्ड आ रहा है तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को हम एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहेंगे. बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या कहा है आपको कि बेंडिंग वाइब्रेशन में अब जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा
नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एंगल चेंज होगा। तो इसको क्या कहते हैं कि रॉकिंग। ये आपका दोनों बॉन्ड्स कौन से हैं, वो राइट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक राइट को मूव कर रहा, एक राइट की तरफ मूव कर रहा है और एक लेफ्ट की तरफ, सीजर जिस तरह मूव करती है। ट्विस्टिंग में क्या है, इसको हमने कहा है इन प्लेन, कि अब जो प्लेन है वो सेम है। अगर इसमें एक दाएं बाएं ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ की तरफ यहाँ पे मूव करेगा, एक आगे को जा रहा है और एक पीछे को जा रहा है, और जो बेसिक प्लेन है आपकी वो चेंज हो रही है बॉन्ड्स की, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। और अगर दोनों एक तरफ को मुड़ रहे हैं और दूसरे प्लेन को छोड़ के, सपोज अगर एक कागज पर ये बनाए स्ट्रक्चर को, एक जो सा है कागज इस पेपर के लेफ्ट साइड पर, एक इसके राइट साइड पर चला जाए, तो ये बैगिंग होगा। अगर दोनों पेपर के लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे तो सॉरी अगर दोनों एक साइड पर चले जाएंगे तो बैगिंग होगा, और एक राइट और एक लेफ्ट पर जाएगा तो वो ट्विस्टिंग होगा। और सीजर जिस तरह आप चलाते हैं तो इसको हम कहेंगे सीजरिंग इन प्लेन बैंडिंग। और अगर वो दोनों आर्म्स जो से हैं वो लेफ्ट को मूव करें और दोनों ही राइट को मूव करें, तो हम कहेंगे दिस इज दी रॉकिंग। तो दिस आर द बेसिकली द वाइब्रेशनल मोड्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली हमने इसको फंडामेंटल वाइब्रेशन कहा, इसको डिवाइड किया स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में। स्ट्रेचिंग को फिर हमने कहा कि इट में बी सिमेट्रिक और इट में बी एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कब और एंटी सिमेट्रिक का क्या क्या होगा, कि दोनों अगर अपवर्ड और दोनों डाउनवर्ड, अगर दोनों का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, और अगर एक का इंक्रीज और एक का डिक्रीज हो रहा है तो ये एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। और दिस इज द बेंडिंग वाइब्रेशन हो गई। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बाद अब जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही वाइब्रेशनल जो नंबर है, वाइब्रेशनल बॉन्ड्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मालिक्यूल, इट डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री ऑफ द मालिक्यूल। बेसिकली दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेंगी कि मालिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं और उसकी सिमेट्री क्या है। ईच एटम, अब हर एटम, जितने भी एटम मौजूद हैं, यहाँ देखिए तीन एटम है, तो हर एटम के तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई जी तीनों एक्सिस पे वो मूव कर सकता है। तो अब अपने एक्सिस के हर एटम जो उसका मेन सेंट्रल पोजीशन जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग है उसके साथ वो एक्स वाई जी तीन एक्सिस पे मूव कर सकता है। जितने एटम होंगे तो इसका मतलब है 3n, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके तीन एंगल्स पर कर सकता है। तो 3n अगर तीन नंबर थ्री एटम्स वाला है तो इसका मतलब है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि उसके पास 9 मोड्स हैं वाइब्रेशनल मोड के। अब ये 9 वाइब्रेशन मोड में से जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या शो करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ उसने मूव करना है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल ओनली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द रिमेनिंग 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो तीन अब टोटल वो कहता है कि उसमें से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है उसको भी हमने निकाल देते हैं, और जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी जो रोटेशन वाला है वो भी हम अगर निकाल दें तो आपके पास जो फंडामेंटल वाइब्रेशन रह जाती है वो 3n-6 जौन सी है मोड्स जो हैं वो अवेलेबल रह जाती हैं। डेट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन। फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल द लीनियर मॉलिक्यूल विल हैव 3n-5 फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। Thus, the non-linear triatomic water molecule has 3 fundamental vibrations, and the linear triatomic carbon dioxide has 4 fundamental vibrations. ठीक है जी। अब जो linear molecule है उसके वो कहता है बस symmetric stretching कर सकता है, anti-symmetric stretching, scissoring, और इस तरह से आपके पास जो है वो in plane और out plane scissoring हो सकती है। तो इसके लिए अब हमारे पास different, बहुत सिंपल उसने दो ही एटम्स को डिस्कस किया हुआ है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में इधर जहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिर हमारे पास ज़्यादा इसमें हमारे पास आ जाएगी, हम इससे आगे जाते हैं यहाँ से। अगर पढ़ लीजिएगा, आपको अगर मजीद इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मैं आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि टोटल जितने भी बॉन्ड्स हैं कितने नंबर, पहली बात यह है कि इसमें यह बताया गया है कि कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। तो किस पे डिपेंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स पे। नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं, नंबर ऑफ एटम्स कौन से हमारे पास हैं
वो हर एटम के पास फर्दर तीन चौंसी हैं वो. अब डू यू लिसन मी बच्चों, आवाज आ रही है? यस यस मैम. अच्छा ठीक है, मेरे पास जहाँ पे तीन चौंसी है ना वो खत्म हो गई. चले हर, अब हमारे पास हर मॉड के लिए, हर एटम के लिए तीन, चूंकि एक्स वाई जी एक्सिस है तो वो कहता है तीन उसमें से जौनसी वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होते हैं, तीन जौनसे हैं वो हमारे पास रोटेशनल की बेस पर होते हैं. तो आई आर के लिए कितने मोड्स अवेलेबल हैं एक्स वाई जी में से? वो कहता है थ्री, एंड टोटल जितने भी एटम्स हैं, अगर तीन एटम है तो तीन तीन थ्री थ्री आर नाइन होगा, नाइन माइनस सिक्स, सिक्स कर देंगे तो बाकी रह जाएंगे थ्री. अब थ्री मोड्स अवेलेबल हैं. अगर वो मॉलिक्यूल जौन सा है लीनियर है तो फिर हमने उसको कर दिया कि वो फाइव, वहाँ पे हमने उसको कर दिया कि अब वहाँ पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जौन से है वो हमारे पास थ्री एंड माइनस फाइव अवेलेबल है. ठीक है जी, इसे कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल दी है. अब बेंडिंग वाइब्रेशंस आर द रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ द बेंडिंग मोशन ओरिएंटेड एट एनी एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड डीजनरेट, बट द fundamental vibrations do not involve any movement of the center of gravity of the molecule. इसमें वो कहता है कि हमारे पास element of symmetry को हमने यहाँ पे discuss नहीं करना, element of symmetry को निकाल के हमें just ये देखना है कि कितने modes जौन से हैं वो IR radiation को absorb करेंगे. ठीक है, तो on that base हम सिर्फ उन्हीं vibrations उन्हीं modes को discuss कर सकते हैं IR fundamental vibrational स्पेक्ट्रोस्कोपी. अच्छा अब क्या है कि अब इसमें एक वाटर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है. तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में चार जो से मोड्स हैं वो आईआर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों केसेस में एक तो वो लीनियर मॉलिक्यूल है, जितना लेफ्ट ऑक्सीजन एटम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही राइट भी उसको जो है वो उसको उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा. जबकि हम अगर वही तीन एटम्स वाले मॉलिक्यूल वाटर को देखते हैं तो यहाँ पे इस वाइब्रेशंस की वजह से चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा. तो अब क्या होगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या शो करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल आईआर की पीक्स को शो करेगा, आईआर पीक्स देगा, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये आईआर पीक नहीं देगा. रीजन क्या है कि इसमें चेंज इन डाइपल मूवमेंट नहीं होगी. तो बेसिक कंडीशन क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की? चेंज इन डाइपल मूवमेंट. वो मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किए जा सकते हैं जिसमें वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोड्स की वजह से डाइपल मूवमेंट चेंज होगा. और जिन मॉलिक्यूल्स में आईआर वाइब्रेशंस की एब्जॉर्प्शन की वजह से डाइपल मूवमेंट चेंज नहीं होगा उनमें उनको हम आईआर के लिए स्टडी नहीं कर सकते, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आईआर रेडिएशन से. उसके लिए रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. जहाँ पे डाइपल मूवमेंट चेंज नहीं होता उनके लिए हम रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, और जहाँ पे डाइपल मूवमेंट चेंज होता है वहाँ पे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं. एनफ फॉर टूडे. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछने, अभी हमारे पास 6 मिनट रहते हैं. मैम हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ये होता है कि 3n इज इक्वल्स टू रोटेशनल वाइब्रेशन है, ट्रांसलेशनल है, और फिर जो है वो वाइब्रेशनल आती है. तो लीनियर और जो ट्रांसलेशन होती है उसको निकाल के जो वाइब्रेशनल मोड होता है हम उसी को फंडामेंटल मोड कह रहे हैं ना यहाँ पे. हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को कह रहे हैं. ठीक है ना, उसमें उसने बता दिया कि अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें से हमने उसको एक में से हमने 5 कर दिया और एक में से 6 कर दिया. ठीक है ना. ठीक है जी, चले ओके. फिर आप यहाँ से आप यूनिस की बुक से मैंने पढ़ाया है तो इसको आप मुझे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी. आप जिस जिसके पास है वो उधर से कंसल्ट कर लें, जिसके पास नहीं है वो ये पीडीएफ दे दें. ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.